नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। तो आपको बता दें, सबसे पहले बात करते हैं आज मौसम की, देश का मौसम, प्रदेश का मौसम। उत्तराखंड में भारी बारिश ने तबाही मचा दी, नदियां उफान पर हैं, डैम के दरवाजे खोल दिए गए और लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ यात्रा को 2 दिन के लिए रोक दिया गया। राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खबरों के मुताबिक अलर्ट जोन एरिया में एनडीआरएफ की 12, एसडीआरएफ की 7 टीमें भी तैनात की गई हैं और ये प्राकृतिक तबाही है जिसके बीच 16 लोगों की जान जा चुकी है। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में ये आपदा देखने को मिली। केदारनाथ में बादल फटने से पैदल रूट पर लिंचोली भीमबेली के पास 2000 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की जानकारी है। इन्हें निकालने के लिए 5 हेलीकॉप्टर लगा दिए गए। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश में मानसून का स्ट्रांग सिस्टम इस वक्त एक्टिव है, जिसके चलते लगातार तेज बारिश का दौर देखा जा रहा है। शनिवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश भी देखी गई थी, जिसके चलते जलभराव की बड़ी समस्या भी सामने आई थी। कटनी में भारी बारिश के चलते रेल की पटरी डूब गई थी। राजधानी भोपाल में सड़कों पर जल जमाव हो गया था। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भारी बारिश के चलते शिप्रा नदी के घाट पानी में डूब गए थे। शाजापुर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, देवास, पचमढ़ी, आगर मालवा में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 40 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। विस्तार से आज चर्चा हम करेंगे, कुछ विशेषज्ञ मेहमानों को भी जोड़ेंगे। जरा मौसम वैज्ञानिक पूरे इस माहौल को लेकर क्या कह रहे हैं, यानी कि प्रदेश में अभी मौसम किस तरह का बना रहेगा, ये अपडेट हम आपको बता देते हैं। सर्वाधिक वर्षा हुई 212 मिलीमीटर और अनेक जिले ऐसे हैं 25 से 30 जिले जहाँ पे कि हेवी रेनफॉल, सिर्फ वेरी हेवी रेनफॉल दर्ज किया गया है। और दोनों वेस्ट एमपी और ईस्ट एमपी में जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन रहा है वो वाइड स्प्रेड रहा है, यानी 75% एंड अधिक जगहों पे जो है पूरे जिलों में वर्षा हुई है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं अभी जैसे सिस्टम जो है मानसून ट्रफ एक एक्टिव है, वहाँ पे राजस्थान से होते हुए, ग्वालियर से होते हुए, सीधी से होते हुए एक अपना जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है सिंह अपना झारखंड के ऊपर और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल के एडजोइनिंग प्लेसेस पे, तो वहां से होते हुए आगे एक बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रहा है और उसके साथ ही उसके ऊपर एक पैरेलल एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ भी बना हुआ है जिसकी की जो 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल तक के एक्टिव है और ये इन दोनों सिस्टम के चलते और खास करके जो अपना लो प्रेशर एरिया जो बना हुआ है झारखंड और एडजॉइनिंग गैंजेटिक वेस्ट बंगाल पे, तो उन सब के चलते और ये जो मीन्स लो प्रेशर एरिया आने वाले 24 घंटे में हो सकता है उसका डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाए, तो इन सब के चलते आप देख सकते हैं कि आने वाले 24 घंटे में और उसके बाद आने वाले 2-3 दिनों के लिए अपने प्रदेश में बहुत अच्छी वर्षा होने वाली है। और मीन्स ने आने वाले 24 घंटे के लिए जो है चेतावनी भी दी है कि जो मीन्स एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 200 मिलीमीटर्स एंड अबाउ जो है वहाँ पे मीन्स 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जो है हमने उसकी चेतावनी दी है, जो कि अनूपपुर, छिंदवाड़ा, मंदसौर, शहडोल, सिंगरौली, उमरिया,
और रायसेन जिले है, उसके साथ ही ये 18 जिले ऐसे हैं जहाँ पे वेरी हेवी रेनफॉल यानी 115 मिलीमीटर से 202 मिलीमीटर तक के वर्षा दर्ज हो सकती है, और 22 जिले ऐसे हैं जहाँ पे जो है हेवी रेनफॉल यानी 65 मिलीमीटर से लेके 115 मिलीमीटर तक के वर्षा होने की पूरी संभावना, यानी 47 जिले ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में कि जहाँ पे जो है हेवी रेनफॉल से तो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की पूरी संभावना बनी हुई है। मैं प्रकाश धौले, मौसम विज्ञानी, मौसम केंद्र भोपाल, धन्यवाद। पर्यावरणविद डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। श्रीवास्तव जी, जो अपडेट सामने आ रहा है पूरे देश का, चाहे वायनाड हो, उत्तरकाशी हो, या फिर जो बात हम मंदाकिनी नदी की भी कर रहे थे, जिस प्रकार से केदारनाथ में हमने अभी आपदा देखी है, तो देश में तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और ये पता चल रहा है कि अभी अगस्त का महीना भी लगभग लगभग कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। इसका प्रमुख कारण क्या आप लोग अभी तक एनालिसिस आपने किया है? जी श्रीवास्तव साहब जी, देखिएगा ये जो क्लाउड वर्स्ट जो होते हैं और फ्लश जो फ्लैश फ्लड आती है, अचानक एक स्थानीय एक जगह पर बादल जब केंद्रित हो जाते हैं और बहुत ज्यादा उसमें बरसात होती है, ऐसा माना जाता है कि 10 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा बरसात एक घंटे में हो जाती है 20 या 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, तो बादल फट जाते हैं और बादल फटने से फ्लैश जो आपकी बाढ़ आती है अचानक, उसमें मड स्लाइड भी होती है और एकदम पानी बढ़ जाता है और बहुत तबाही होती है, जनहानि भी होती है। लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी अभी तक थी मई से लेकर सितंबर के महीने में, अभी हिमालय में ज्यादातर इस तरह के क्लाउड बर्स्ट होते थे, अचानक बाढ़ बहुत तेजी के साथ आ जाती थी, बहुत भारी वर्षा हुआ करती थी। ऐसे केसेस साल भर में 2023 में लगभग 280 केसेस आए थे, पर उन्होंने इतनी अधिक तबाही नहीं की थी। अब जो है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, जल्दी जल्दी आने लगे। कल अकेले हिमाचल प्रदेश में 5 जगह पर जो है क्लाउड वर्स्ट हुआ। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक अध्ययन की चीज है। क्लाउड वर्स्ट होता क्या है, बादल क्यों फटते हैं, क्योंकि सामान्य वर्षा अगर होती है होती रहेगी, नदियों में पानी आएगा, बाढ़ आएगी, लेकिन अचानक जो जनहानि होती है उसका जो बादल फटना तो एक कारण है ही, उसको हम समझते हैं, लेकिन ज्यादा परेशानी की चीज ये है कि एक तो हमने जंगलों का सफाया कर दिया है और पहाड़ एक तो लगभग वीरान हो गए हैं, उनमें अनावश्यक रूप से जो खदान के लिए मटेरियल निकाला जा रहा है और उनको थोड़ा सा यानी काट छाट के उनको, अगर मैं देहाती भाषा में कहूँ तो पहाड़ों को नंगा किया जा रहा है, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इन कारणों पर तो मानव निर्मित कारण है, यानी क्लाउड वर्स, अचानक बाढ़ आना, जनहानि होना, इसके दो कारण होते हैं, एक तो प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। तो जो प्राकृतिक कारण है उन पर तो किसी का बस नहीं है, हम सिर्फ उनका आकलन कर सकते हैं और जो आधुनिक तकनीक है उसके हिसाब से सैटेलाइट मौजूद है हमारे पास, कल्पना सैटेलाइट जो इसरो का है, हर 4 घंटे में आपको बताता है भारत भूमि के ऊपर कहाँ कहाँ इस समय कितने बादल हैं, कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर उनका हम बारीकी से अध्ययन करेंगे तो एक जन सामान्य आदमी भी समझ सकता है कि पानी कहाँ ज्यादा गिरने वाला है। लेकिन जो जनहानि होती है उसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जो कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया में आज की तारीख में तकनीक इतनी उत्कृष्ट हो चुकी है कि कैचमेंट एरिया के पानी में कितना पानी अभी गिरा और वो पानी बहकर हमारे यहाँ तक कब तक आएगा, कितनी देर में आएगा,
इसका आकलन किया जा सकता है, लेकिन जो नगरों का विकास हो रहा है, जो गांव का विकास हो रहा है, जो कस्बों का विकास हो रहा है, उसमें आपने नदी के किनारे इस तरह स्ट्रक्चर कर दिए हैं कि वो बाढ़ में डूबने वाले हैं। अब बाढ़ जब आएगी डूबेगी तो नुकसान तो होगा ही। तो जो नगर निवेश हुआ करता है या जो विकास हुआ करता है, उनमें थोड़ा हमको वैज्ञानिक अध्ययन करके देखना पड़ेगा। अरे रेलवे का कब 100 साल से ज्यादा हो गए, रेल के जो ब्रिज बने हुए हैं आप पुराने जमाने के विरोधों में देखेंगे, आज भी देखेंगे तो वहां लिखा रहता है हाईएस्ट फ्लड लेवल HFL, माने अभी तक पिछले 100 साल के भीतर यहाँ तक पानी आया है। अब जब ये ज्ञान जो है रेल के पुल बनाने में, तो मकानों को बनाने में हम क्यों नहीं करते हैं? हाईएस्ट फ्लड लेवल हम सब जगह का निर्धारित क्यों नहीं करते हैं? क्लाउड बर्स्ट की स्थिति एक अद्भुत स्थिति होती है, उसके कई कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि देखिए मई और सितंबर के बीच में ये होते हैं, और भारत में तो 3 जगह खास होते हैं, एक तो सबसे ज्यादा हिमालय में होते हैं, दूसरे आपके जो पठार है अपना वेस्टर्न घाट पश्चिम की घाट उसमें होते हैं, और तीसरा होता है नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पहाड़ी मैदान है। लेकिन वायनाड में जो अभी हुआ है वो थोड़ा सा अलग किस्म का है, वो देखना पड़ेगा उसका कारण क्या है, वैज्ञानिक उस पर अपनी नजर रखे हुए। और क्लाउड बर्स्ट होने के लिए, अचानक बाढ़ आकर जनहानि करने के लिए, इस पर हमारा मौसम विभाग नजर रख सकता है, बशर्ते कि हमने पूरे हिमालय में जो आधुनिक तकनीक है जिसको कहते हैं डॉपलर, आपका वेदर रडार, रडार जो होता है जैसे हवाई जहाज कहीं जा रहा है उसको ट्रैक कर लेता है, बादलों को ट्रैक कर लेता है, बादलों की डेंसिटी नाप लेता है वेदर रडार। और ये वेल नोन फैक्ट है कि अगर 25 मिलीमीटर बरसात एक वर्ग किलोमीटर में हो जाए, यानी 1000 मीटर लंबा 1000 मीटर चौड़ा क्षेत्रफल में अगर 25 मिलीमीटर भी पानी गिर जाएगा तो पानी मालूम है कितना हो जाएगा? 25,000 मीट्रिक टन। 25,000 मीट्रिक टन जब हमको टोपोलॉजी पता है, जब हम डॉपलर रडार से ये नाप सकते हैं कि ये पानी कहाँ कहाँ कितना गिर रहा है, सैटेलाइट्स हैं, आधुनिक टेक्निक है, नए नए सॉफ्टवेयर हैं, हम वेरी एग्जैक्टली ये पता लगा सकते हैं कि इस इलाके में यहाँ पर इतना पानी गिरेगा। उसकी टोपोलॉजी अगर हमको पता है तो आज से अगर 50 किलोमीटर दूर पानी गिरा है तो मेरे पास नदी में बहते बहते कितनी देर में आएगी, कितनी फ्लड आएगी। ऑटोमेटिक फ्लड अलार्म सिस्टम आज की तारीख में विज्ञान में मौजूद हैं, लेकिन उनका उपयोग हमको करना फिलहाल अभी प्राथमिक स्टेज पर है। अगर ये ऑटोमेटिक फ्लड अलार्म सिस्टम सब जगह लग जाए नदियों के किनारे, जैसे मैं आपको इंदौर की बात ही बताऊं, यहाँ जो है पाताल पानी में लोग जब जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए और अचानक पानी आता है और बह जाते हैं, ऐसी कई घटनाएं हुई है। लेकिन अगर हमारे पास ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम हो तो 5 या 10 किलोमीटर ऊपर कितना पानी गिरा था उसकी सूचना आ जाएगी ऑटोमेटिकली, यहाँ पर जो है अलार्म बज जाएगा कि जगह खाली कर दो यहाँ पर। लेकिन ये टेक्निक अवेलेबल है, लेकिन हम उन तकनीकों का अभी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जहां तक सवाल ये है प्राकृतिक कारण का, उनको रोकना तो असंभव है, क्योंकि बादल जो फटते हैं, जो बहुत ज्यादा बरसात होती है तो तूफान के कारण होती है, और तूफान पर किसी का नियंत्रण आज की तारीख में तो है नहीं। अमेरिका में तो ये मौसमी तूफानों का हरिकेन चले आते हैं वहां पर, अभी चीन में आया था कितनी तबाही कर गया। तो ये जो प्राकृतिक कारण है उनके बारे में तो हम सिर्फ बचाव कर सकते हैं, अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं बचाव की, लेकिन जो मैनमेड कारण है वो भी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा मैनमेड कारण तो ये है कि पेड़ों का जो पहाड़ों से एक तरह से उनको खत्म कर दिया गया है। आप देखिए जहां जहां भी लैंडस्लाइड हो रही है वहां पेड़ है क्या? नहीं है। हमको नए सिरे से बिल्कुल उन स्थानों पर चिन्हित करके जहाँ लैंडस्लाइड ज्यादा होता है फटते हैं उन स्थानों ये पर। बिल्कुल आपने सर बहुत अहम बात कही है कि प्रकृति का दोहन अगर हम इस तरीके से करते रहे तो फिर ये जो तूफान है हम अलग अलग उदाहरण ही प्रस्तुत कर पाएंगे। मैं लौटूंगा सर आपके पास। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर संत कुमार भी जुड़ चुके हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत है आपका।
मैं आपसे सर ये जरूर जानना चाहूंगा, इस वक्त प्रदेश के मौसम का एक अपडेट हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि मध्य प्रदेश का इस वक्त मौसम किस तरह का बना रहेगा, अगर हम आने वाले एक हफ्ते से दो हफ्ते की बात करते हैं। जी जी जी, चलिए बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया सर। अभी जो मौसम का अपडेट है उसमें देखा जाए तो आगामी 2 से 3 दिन लगभग लगभग पूरे मध्य प्रदेश में सभी जगह हैवी टू एक्सट्रीम हैवी तक बारिश की संभावना है। जैसे छिंदवाड़ा जिले की हम बात करें, बालाघाट या जो जबलपुर संभाग में लगभग लगभग सभी जगह पे हैवी टू एक्सट्रीम हैवी भी कुछ जगह बारिश दिखाई दे रही है। हाँ, और यही हाँ, लगभग ये मान के चलते हैं कि 2-3 दिन अभी लगभग सभी जगह यही स्थिति बनेगी, क्योंकि अभी 2 टर्फ लाइन हमारे यहाँ से गुजर रही है और 2 साइक्लोनिक सिस्टम भी एक्टिव है। इसके कारण बारिश काफी अच्छी मात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में लगभग मिलने की संभावना है जी। और यही जो लगभग 3 दिन अभी ये स्थिति निर्मित हमारे सामने रहेगी। हाँ, 6-7 तारीख से हम बात करें तो 7 तारीख के आसपास से थोड़ी सी स्थितियां चेंज होंगी। जो हम एक्सट्रीम हैवी हैवी में चल रहे थे वो मॉडरेट रेनफॉल के लगभग रहेगा, पर अभी ये कहें कि बारिश एकदम रुक जाएगी ये अभी संभव नहीं है फिलहाल। अच्छा, अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और आपसे पूछनी है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अभी धान के फसल का मुख्य समय चल रहा है, किसान भाइयों को किसी तरह से परेशान होने की जरूरत तो नहीं है जो अगर हम सीमावर्ती क्षेत्रों की अगर बात करें तो, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि दूसरे राज्यों का जब डैम खोला जाता है तो उन सीमावर्ती राज्यों में जो हमारे किसान भाई रहते हैं उनको खासी परेशानी होती है। जी जी, नहीं अभी चिंता की विषय तो है बिल्कुल, कि मध्य प्रदेश के शायद ही कोई एक डैम ऐसा होगा जो भरा नहीं है। हाँ, लगभग लगभग ये मान के चले कि सभी डैमों के गेट खोले जा चुके हैं इस समय, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है जी। और साथ ही साथ धान की खेती के लिए तो बड़ा अच्छा बारिश हो रही है। हाँ, दूसरी फसलों की हम बात करें, मक्का सोयाबीन, तो इनके लिए थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति, चूंकि रेगुलर बारिश हो रही है। हाँ, तो दूसरी फसलों के लिए थोड़ी चिंताजनक स्थिति है इस समय जी। अच्छा सर, अभी क्या प्रदेश में एक जैसा ही मौसम का असर देखा जा रहा है या कहीं धूप कहीं छांव, मतलब कहीं अत्यधिक बारिश हो रही है या कहीं सामान्य से कम बारिश? नहीं, बिल्कुल ऐसी स्थिति निर्मित है। आप तुलनात्मक दृष्टि से यदि हम बात करें तो जबलपुर संभाग की बात करें तो यहाँ एक्सेस रेन चल रहा है, वहीं हम यदि रीवा की बात करते हैं, रीवा संभाग की, तो यहाँ पे डिफिशिएंट चल रहा है। रीवा में अभी तक 8 से 9 इंच बारिश हुई है। वहीं हम देखें तो सिवनी जिले की बात करें तो 31 mm सिवनी जिले में बारिश हो गई है जी। तो थोड़ा सा तो है, पर ये नहीं कह सकते कि हाँ एक जगह ज्यादा और एक जगह बिल्कुल सूखा रहेगा, ऐसा नहीं है जी। जी, जी। बारिश लगभग लगभग सभी जगह भी होगी पूरे मध्य प्रदेश में बिल्कुल। संत कुमार जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा फोन लाइन पर, एक बार फिर से मैं आपका एक फाइनल कमेंट जरूर लूंगा। श्रीवास्तव साहब का फिर से रुख करते हैं। श्रीवास्तव साहब, आप बात कर रहे थे फ्लड की, हमने नेचर के साथ जितना खिलवाड़ किया, लेकिन सर दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई वाला शहर, सबसे ज्यादा महंगा शहर दुबई की अगर हम बात करें, वहां पर शताब्दी की सबसे भयंकर बाढ़ आई थी। वहां ये बताया गया कि 2.5 साल की बारिश महज 2 दिन में हो गई, पूरा दुबई पानी पानी हो गया। दुबई जिसको बोला जाता है कि ये वर्तमान का शहर नहीं है, ये भविष्य का शहर है, दुनिया भविष्य में कैसी होगी वो दुबई से सीखना चाहिए, लेकिन नेचर ने दुबई को सिखा दिया कि पैसे से आप संसाधन जुटा सकते हैं लेकिन आप हमारे मतलब रिप्लेसेबल फॉर्म नहीं कर सकते, नेचर का रिप्लेस आप पैसे से उपलब्ध नहीं करा सकते। बिल्कुल सही बोला आपने, नेचर से खिलवाड़ करना जो है अपनी जगह है, और उसी के कारण जो आप प्रकृति से टक्कर नहीं ले सकते हैं उसके अनुरूप अपने को ढलना पड़ेगा। रहा सवाल ये है कि दुबई में तो कभी पानी गिरता नहीं था और अब इतना ज्यादा क्यों गिर गया? केवल दुबई की बात नहीं है, चीन की हालत देख लीजिए कितनी खराब है, ऑस्ट्रेलिया की देख लीजिए वहां पर क्या भयंकर बाढ़ आई है, ब्राजील में देखिएगा, उधर मैक्सिको में देख लीजिएगा, पूरी दुनिया में ये हालत हो रही है। ये हालत क्यों हो रही है? इसको क्लाइमेटिक चेंज कहते हैं। क्लाइमेटिक चेंज क्यों हो रहा है? एक तो बेतहाशा तरीके से हमने जो ईंधन का उपयोग किया है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या अंतर पड़ गया है? देखिए, एक साधारण सा दर्शकों को उदाहरण बताता हूं मैं जी, कि अगर आप कार में कांच चढ़ाकर धूप में खड़ी कर दें कार को, तो सूर्य की गर्मी जो आ रही है, विकिरण जो आ रहा है, रेडिएशन जो आ रहा है, कार के अंदर तो आ जाएगा, लेकिन खिड़की के जो कांच है वो ऊष्मा के कुचालक है, तो वो गर्मी बाहर नहीं जा पाएगी।
और कार भट्टी जैसी बन जाएगी। लगभग यही हालत आज हमारी पृथ्वी का हो रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल रही है, समुद्र का वाटर लेवल भी ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस सब काम में जो आज पिछले दो साल से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, उन्होंने जो मिसाइलें छोड़ी हैं, कहा जाता है तकरीबन जो है आज की तारीख तक अकेले रूस ने 25 लाख टन विस्फोट कर दिया है। सोचिए आप, यूक्रेन ने भी किया होगा, इधर हमास पर इजराइल कर रहा है, ये विस्फोट होता क्या है? इसमें जो है हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड्स भी होता है, फास्फोरस के भी ऑक्साइड होते हैं, इसमें बहुत ही विषैले पदार्थ होते हैं। और जब विस्फोट होता है, धमाका आता है, वो धमाका जो है ऊपर आयनोस्फीयर तक जाता है, उससे जो हमारे पृथ्वी की उष्णकटिबंधीय धाराएं हैं, समशीतोष्ण धाराओं की दिशा है, वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ये वैज्ञानिक इस बात के अध्ययन में भी लगे हुए हैं कि क्या लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण भी मौसम की विकृतियां हो रही है। लेकिन मौसम की विकृतियों के और भी कई कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रशांत महासागर में जो पानी की गहराई तक गर्म होने का प्रक्रिया है वो बदलती जा रही है, समुद्र की धाराएं बदल रही हैं, समुद्र की गर्म गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर स्ट्रीम, ये सब जो है अपनी दिशाएं चेंज कर रही हैं, उससे मानसून प्रभावित होता है, उसको अल्निनो कहा जाता है। तो ये तो प्राकृतिक है, उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जिसको नियंत्रित कर सकते हैं वो हम अपने बिल्कुल। ये बहुत अहम बात आपने कही कि हम जो कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और हमने अगर जीरो कार्बन 2070 का हमने लक्ष्य बनाया है जब भारत जीरो कार्बन करेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत पुष्टि कर रहा है कि हम 2070 देख रहे हैं, अन्य जो बड़े देश हैं वो ये भी नहीं कह पा रहे कि हम कब तक जीरो कार्बन दे पाएंगे। एक बार फिर से संत कुमार जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, संभागवार अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के इस वक्त मौसम की, तो एक शॉर्ट में अपडेट आपसे चाहूंगा। जी मौसम की स्थिति निर्मित है उसके हिसाब से अभी हम बात करते हैं, तो अभी छिंदवाड़ा, मंडला ये लगभग दो दिन एक्सट्रीम हैवी है, यहाँ पे छिंदवाड़ा हुआ आपका, मंडला है, साथ ही साथ देखे तो अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, सभी जगहों पर अभी दो दिन एक्सट्रीम हैवी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। जी जी ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 6-7 तारीख से लगभग सभी जगह पे जो है तो मौसम थोड़ा खुल जाएगा। आप इधर रायसेन तरफ भी एक्सट्रीम हैवी बारिश अभी दिख रही है, 7 तारीख से लगभग सभी जगह खुल जाएगा। जी देखा, जैसे हम बता तो देते हैं एक्सट्रीम क्या होता है, दर्शकों को हम बताना चाहेंगे किस स्थिति को हम हैवी लाइट या एक्सट्रीम कहेंगे। इसमें चाहे तो जैसे कि जब बारिश 1 से 4 mm 2.5 mm तक होती है तो उसे हम लाइट, वेरी लाइट कहते हैं, लेकिन जब वो 2.5 mm से 15 mm तक बरस जाए, 1 inch बारिश हो जाएगी, तो वो लाइट बारिश कहलाती है। लेकिन 15 mm से लेकर यदि 64-65 mm तक बारिश होती है तो उसे हम मॉडरेट रेन कहते हैं। उसी प्रकार 64 से 115 तक हैवी, 115 से लेकर 204 को हम मतलब वेरी हैवी कहते हैं। लेकिन जब बारिश 204 mm से ज्यादा हो जाए तब उसे हम एक्सट्रीम हैवी कहते हैं। जी, और यदि 120 से उसके आए तो बहुत एक्सप्लेनेटरी हैवी भी होता है, पर वो जनरली हमारे यहाँ उत्तर में बारिश नहीं होती, बिल्कुल 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 बिल्कुल, पर एक्सट्रीम हैवी तक हमारे यहाँ भी कुछ जगह, मतलब ये मान सकते हैं जिन जगहों का हमने एक्सट्रीम हैवी बताया। बिल्कुल, ये समझने योग्य बिल्कुल बात है संत कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को बताई विस्तार से। डॉक्टर श्रीवास्तव जी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, प्रकृति के दोहन के बाद अगर अब हम थोड़ा नेचर की ओर देखें, शॉर्ट में एक कमेंट की क्या हमें करना चाहिए? सबसे पहले तो हमको ये करना चाहिए कि गांव का, नगरों का जो विकास है उसको हाईएस्ट फ्रंट लेवल के जो लेवलिंग के बाद ही करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, हमारे कोर्स में कविता थी, तरणी तरता तरतमार तरबर छाए झुके कुलसों, जल परसन मनहु सुनाए, आज नदियों के किनारे पर वृक्ष पूरी तरह से गायब है। और अगर संभव हो तो हमको ऐसा नियम बनाना चाहिए कि नदियों के
दोनों किनारों पर कम से कम 2 किलोमीटर तक घनघोर जंगल होना चाहिए, क्योंकि एक वयस्क वृक्ष जो है दिन भर में 5,000 लीटर पानी ऊपर हवा में फेंकता है। आज की तारीख में अनियंत्रित खनन के कारण हमारे रेत नदियों से उड़ गए हैं, सिल्टिंग होता जा रहा है, उस वजह से पानी फैल रहा है बरसात का। बिल्कुल बिल्कुल, आकार वी शेप होना चाहिए थे, हमको सिल्टिंग पर ध्यान देना। वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही कि नेचर ने जो प्रकृति प्रदत्त स्वरूप हमें दिया था उपहार के तौर पर, उसके साथ जो हमने छेड़छाड़ की है वापस उसको वही रूप देना होगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर संत कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हमने मध्य प्रदेश की इस बड़ी बहस में चर्चा की देश सहित प्रदेश के वर्तमान मौसम की, किस प्रकार से मौसम किस करवट बैठ रहा है और उसका असर हमारे किसान भाइयों की फसल पर कितना पड़ेगा। प्रदेश के तमाम जिलों में मौसम का अपडेट हमने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देने की प्रयास किया है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।